वट इज ब्रेन? सो ब्रेन क्या होता है? वट इज द ब्रेन? सो द ब्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट कंट्रोल थॉट, मेमोरीज, इमोशंस, टच, मोटर स्किल्स, विजन, ब्रीथिंग, टेम्परेचर, हंगर एंड एवरी प्रोसेस दैट रेगुलेट योर बॉडी. टुगेदर द ब्रेन द स्पाइनल कोर्ड दैट एक्सटेंड फ्रॉम इट मेकअप द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सीनस. सो ये हुई डेफिनेशन. ब्रेन होता क्या है? तो जो ब्रेन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है. ये हमारी मेमोरी, हमारे इमोशंस, टच, मोटर स्किल्स, विजन, टेम्परेचर, भूख लगना, जितनी भी हमारी बॉडी में प्रोसेस होती है वो सारी की सारी किसके द्वारा रेगुलेट होती है और कंट्रोल होती है? हमारे ब्रेन के द्वारा. और ब्रेन के साथ में एक और चीज़ वर्क करती है, वो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड. और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो वाट इज द ब्रेन मेड ऑफ? ब्रेन एक्चुअली बना हाई का होता है. तो जो एवरेज पाउंड में वेट होता है ब्रेन का होता है 3 pounds. तो जो एवरेज ब्रेन का वेट होता है 3 pounds इन द एवरेज एडल्ट ब्रेन. द ब्रेन इज अबाउट 60% मेड अप ऑफ फैट. जो ब्रेन था 60% ब्रेन में फैट होता है और बाकी का जो 40% का पोर्शन बना होता है वो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है? वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और साल्ट. इन चीज़ों से मिलकर बाकी का 40% ब्रेन कंप्लीट होता है. सो द ब्रेन इज नॉट अ मसल्स. ब्रेन एक मसल्स नहीं होती है, बट वो बहुत सारे मसल्स को कंटेन करके रखता है जिसकी होते और हमारे सेल्स होते हैं. ओके, हाउ डज द ब्रेन वर्क? हमारा ब्रेन एक्चुअली काम कैसे करता है? तो जो हमारा ब्रेन काम करता है वो करता है केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू. लगातार हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो हमारी बॉडी से सिग्नल्स लेते हैं, ब्रेन के पास पहुंचते हैं और फिर ब्रेन रिटर्न बॉडी में देकर रिस्पॉन्स करता है. सो द ब्रेन सेंड्स एंड रिसीव केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल थ्रू आउट द बॉडी. जो ब्रेन होता है वो सेंड करता है, भेजता है और रिसीव करता है केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारी पूरी बॉडी में. डिफरेंट सिग्नल कंट्रोल डिफरेंट प्रोसेस. अलग अलग सिग्नल की अलग अलग प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हमारा ब्रेन रिस्पॉन्स करता है. एंड योर ब्रेन इंटरप्रेट ईच, उसी के हिसाब से हमारा ब्रेन उनको रिस्पॉन्स देता है. सम मेक यू फील टायर्ड फॉर एग्जाम्पल, वाले अदर मेक यू फील हैप्पी. मतलब कुछ जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो मैसेजेस हमारे केमिकल हमारे बॉडी में प्रोसेस करते हैं, वो कुछ ऐसे हमारे ब्रेन सेंड करते हैं जिससे हमें खुशी मिलती है और कुछ ऐसे होते हैं जिससे हमें सैड फील होता है. तो सारा का सारा सैड और फील और हम जैसा भी कुछ फील करते हैं, वो सारा का सारा सारी की सारी जो प्रोसेस होती है किस पर डिपेंड होती है? हमारे ब्रेन की वजह से. हमारा ब्रेन कैसे हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है उसी के हिसाब से हमारा मूड बना रहता है. सब मैसेज आर किप्ट विथ इन द ब्रेन. कुछ जो मैसेज होते हैं वो ब्रेन अपने तक ही रखता है और बाकी के जो रहते हैं वो अपनी स्पाइन को देकर पूरी बॉडी में ट्रेवल करवा देता है. जो सिग्नल्स होते हैं हमारी स्पाइन के थ्रू ही उधर ट्रेवल होते हैं बॉडी में. ओके, टू डू दिस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलीज ऑन बिलियन ऑफ न्यूरोस नर्वस सेल्स. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो किसी को रिलीज करता है बिलियंस ऑफ न्यूरोन सेल्स. जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत सारे नर्व सेल्स को कंट्रोल करता है और उनको होल्ड करके रखता है. एट द टाइम जब भी जरूरत पड़ती है उनको रिलीज करता है. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें मिलियंस और बिलियंस जो नर्व सेल्स होते हैं वो होते हैं, और वही जो सेल्स होते हैं वही हमारी बॉडी में ब्रेन और हमारी स्पाइन के थ्रू पूरी बॉडी को मूवमेंट कराने में हेल्प करवाते हैं. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो सब मेन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. फर्स्ट वन इज सेरिब्रम विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. अनदर वन इज लार्जेस्ट एंड फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन. अनदर वन इज ब्रेन स्टीम. ब्रेन स्टीम इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन जिससे हमारी स्पाइन कनेक्ट होती है और इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिसीविंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द सिग्नल टू और स्पाइनल कॉर्ड. अनदर इज सेरिब्लम. सेरिब्लम इज अ लिटिल ब्रेन. ये बैक साइड ऑफ द हेड होता है और ये लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि सेरिब्रम क्या होता है. व्हाट इज सेरिब्रम? तो द सेरिब्रम कंप्रेस ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर इट्स सेंटर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का. द सेरिब्रम इनिहेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट एंड रेगुलेट टेम्परेचर. सेरिब्रम किस चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है? एक तो हमारे मूवमेंट को और हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट होता है. अदर एरियाज ऑफ द सेरिब्रम कुछ ऐसे एरिया होते हैं सेरिब्रम की जो हमारी स्पीच हम जज करते हैं, जजमेंट, हमारी सोच, उनको भी कंट्रोल करके रखता है. और रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशन लर्निंग, दिस आर द पार्ट्स विच हेल्प्स टू विच आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम. ओके, अदर फंक्शन रिलेटेड टू विजन, हियरिंग, टच एंड अदर सेंस. जो हमारे 5 senses होते हैं विजन, टच, हियरिंग, इसमें उन चीज को भी हमारा सेरिब्रम जो हमारा फ्रंटल पार्ट होता है ब्रेन का वो कंट्रोल करके रखता है. अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज ब्रेन स्टीम. तो द ब्रेन स्टीम इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन स्टीम हमारा मिडिल पार्ट होता है. कनेक्ट
द सेरिब्रम विद द स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि मैंने बताया ये हमारी स्पाइन को सेरिब्रम से कनेक्ट करके रखता है। द ब्रेन स्टीम इंक्लूड द मिड ब्रेन पॉन्स एंड द मेडुला, जो मिड ब्रेन स्टीम होता है उसके भी तीन पार्ट होते हैं, एक होता है मिड ब्रेन, एक पॉन्स होता है और एक मेडुला होता है। मेडुला का जो लास्ट का पार्ट होता है उससे हमारी स्पाइन जो होती है वो कनेक्टेड रहती है। अनदर वन इज सेरिब्लम, व्हाट इज सेरिब्लम, सो द सेरिब्लम इज अ लिटिल ब्रेन, जो सेरिब्रम होता है वो लिटिल ब्रेन होता है, इज अ फर्स्ट साइड पोर्शन ऑफ द ब्रेन लोकेटेड द बैक ऑफ द हेड, ये जो हमारे बैक की हेड की जो बैक होती है उस पर लोकेट होता है, बिलो द टेम्परल एंड ऑसिपिटल लोब, जो ऑसिपिटल और टेम्परल लोब होता है हम आगे पढ़ेंगे उनके 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 पास पास में होता है। अबाउ द ब्रेन स्टीम लाइक द सेरिब्लम कोर्टेक्स इट हैज टू हेमिस्फीयर, इसमें दो हेमिस्फीयर होते हैं, जो सेरिब्लम होता है उसमें द आउटर पोर्शन कंटेन न्यूरोन्स, जो बाहर का पोर्शन होता है न्यूरोन्स को कंटेन करता है, और द इनर आर कम्युनिकेट सेरिब्लम कोर्टेक्स, जो कि जो इनर वाला होता है वो हमारे सेरिब्रल कोर्टेक्स से कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प करता है। फंक्शंस टू कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट एंड टू मेंटेन बॉडी पोस्चर, सेरिब्लम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जो सेरिब्लम होता है वो हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स होती है, वॉलेंट्री मसल्स मतलब कि जो हमारी खुद की इच्छा से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अगर मैं अपना हैंड मूव ऑन करूंगा तो ये मेरी इच्छा से हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट, मेरी आंखों का पलक झपकना ये इन वॉलेंट्री मसल्स में आता है, जो कि मैं अपने द्वारा उसको कंट्रोल नहीं करता हूँ, ये अपने आप ही ब्रेन को जब लगता है जरूरत पड़ती है जब करवा देता है। बट द जो सेरिब्लम होता है वो कौन सा मूवमेंट कंट्रोल करवाता है, वॉलेंट्री मसल मूवमेंट, और जो हमारी बॉडी का पोस्चर होता है हमारे खड़े रहने की स्टाइल वगैरह ये सब भी हमारा सेरिब्लम कंट्रोल करके रखता है। अनदर नाउ टॉक अबाउट द लोब्स, व्हाट आर द लोब्स ऑफ द ब्रेन, सो दिस आर द लोब्स, दिस पार्ट इज नोन एज द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, ओके साइड वाला दिस इज नोन एज टेम्पोरल लोब विच इज साइड ऑफ द ब्रेन। अनदर इज सेंसरी स्ट्रिप, दिस इज मोटर स्ट्रिप, और ये वो लास्ट में नीचे होता है हमारे ब्रेन के हेड के पीछे होता है ऑसिपिटल लोब। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं लोब्स को हम, सबसे पहला होता है फ्रंटल लोब, तो द लार्जेस्ट लोब ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल लोब को भी लार्जेस्ट लोब कहा जाता है, लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द हेड, हमारे हेड के फ्रंट में रहता है। द फ्रंट लोब इज इन्वॉल्व्ड इन पर्सनैलिटी, किस चीज का मूवमेंट फ्रंटल लोब अपने पास रखता है, तो ये रखता है फ्रंटल लोब इन्वॉल्व्ड इन पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक डिसीजन मेकिंग मूवमेंट रिकॉग्नाइजिंग ऑफ स्मेल इन्वॉल्व्स पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब। द फ्रंटल लोब कंटेन ब्रोकियस एरियाज विच इज एसोसिएटेड विद स्पीच एबिलिटी, तो जो हमारी स्पीच एबिलिटी होती है, हमारा मूवमेंट होता है, हमारी स्मेल को पहचानने की शक्ति होती है, हमारी पर्सनैलिटी होती है, ये सारी हमारे फ्रंटल लोब के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अनदर वन इज पेराइटल लोब, द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन, पेराइटल लोब इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। द पेराइटल लोब हेल्प अ पर्सन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड स्पेसिफिक रिलेशनशिप, तो जो पेराइटल लोब होता है ये हमारे ब्रेन का मिडिल लोब होता है, और इससे हम किसी ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं कि सामने रखी हुई वस्तु क्या है, और हम इसमें रिलेशनशिप को भी रिकोगनाइज करने का स्पोकन लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज बोल जो हम लैंग्वेज बोलते हैं और समझते हैं वो भी हमारे पेराइटल लोब के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। अनदर लोब इज ओसिपिटल लोब, सो ओसिपिटल लोब जो होता है हमारे बैक पार्ट में होता है ब्रेन के, और ये हमारे विजन में हेल्प करता है, जो हम देख पाते हैं वो किस लोब की मूवमेंट के कारण देख पाते हैं वो होता है ओसिपिटल लोब, जो ओसिपिटल लोब होता है वही रीजन होता है हमारे विजन का, ओके। द लास्ट लोब इज टेम्पोरल लोब, तो दिस इज साइड ऑफ द ब्रेन, जो टेम्पोरल लोब होते हैं वो होते हैं ब्रेन के साइड में होता है। टेम्पोरल लोब्स आर इन्वॉल्व इन शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पीच मसल्स रिथम एंड सम डिग्री ऑफ स्मेल रिकॉग्निशन, जो टेम्पोरल लोब होता है वो हमारे ब्रेन के साइड में होता है, और टेम्पोरल लोब जो होता है इन्वॉल्व होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, जो हम कम समय के लिए याद कर सकते हैं, जो कम समय के लिए हमें हमारे ब्रेन में स्टोर होती है उन मेमोरी के लिए टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्स होता है, हमारी स्पीच के लिए, मसल्स रिथम के लिए, और स्मेल कुछ हद तक मतलब ज़्यादा ये नहीं करता है, बस कुछ हद तक ये जो स्मेल को उसको भी सेंस करता है। सो दिस इज द बेसिक एंड सम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द ब्रेन, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड, थैंक यू।